हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो है एयर क्वालिटी मेंटेन्ड। अब कंस्ट्रक्शन सेफ्टी की बात हो रही है, कंस्ट्रक्शन सेफ्टी का ये टॉपिक है। तो उसके अंदर जब हम बहुत सारे ऐसे वर्क होते हैं जिससे क्या होता है, एयर पॉल्यूट हो जाती है। एयर पॉल्यूट होती है तो क्या हो सकता है, हमको हार्मफुल एयर, जब हम ऑक्सीजन लेंगे, जब एटमोसफेयर में एयर पॉल्यूट हो चुकी है तो ऑक्सीजन जो है वो हम अगर इनहेल करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को हार्म है। तो हमें ऐसे क्या चीज़ें करना चाहिए जिनकी वजह से हम जो हमारी एयर क्वालिटी है उसे मेंटेन कर सकें। तो देखिए, मेंटेन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हमें अपने यहाँ का जो भी एयर सैम्पलिंग है, एयर सैम्पलिंग करानी होगी और पता लगाना होगा कि हमारे यहाँ की एयर जो है वो कितनी पॉल्यूट है, कितने परसेंटेज पॉल्यूट है वो, ठीक है। उसे कैसे हम, मतलब हम क्या ऐसा करें जिसकी वजह से जो जितना भी एयर क्वालिटी है वो मेंटेन नहीं है, तो हम उसके लिए क्या क्या करें। तो सबसे पहले तो देखिए, जो एयर क्वालिटी जो रहती है वो नेचुरली जो है वो हम ठीक नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम नेचुरल एयर जो करंट एयर है जो है वो तो उतनी क्वालिटी उसकी मेंटेन नहीं है क्योंकि अब वो पॉल्यूट हो चुकी है। तो हम क्या करेंगे, हम मैकेनिकल वेंटिलेशंस लगाएंगे जैसे कि बॉयलर फैंस, ठीक है। ये ज़्यादातर ये ज़रूरी भी है और एयर क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, कहीं भी हमारा काम चल रहा है तो हम इस तरीके के फैंस जो हैं वो लगाएंगे, जहाँ भी हमारी मैकेनिकल वर्क या मेंटेनेंस चल रहा है या जो भी वर्क चल रहा है जिसकी वजह से पोल्यूशन हो सकता है, तो उस काम के लिए हम सबसे पहले मैकेनिकल वेंटिलेशन लगाएंगे, ठीक है। मैकेनिकल वेंटिलेशंस लगाने के बाद देखिए क्या है, दो चीज़ें रहती हैं, एक तो हम पूरे ओपन एरिया में वर्क कर रहे हैं, दूसरा कन्फाइंड स्पेस वर्क अगर कभी कर रहे हैं तो क्या करें। कन्फाइंड स्पेस में आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, जैसे कि टैंक्स होते हैं, कंटेनर्स होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही वे होता है, ना कोई विंडो, ना कोई दूसरा कोई होल हो, एक ही प्लेस हो आने जाने के लिए, कंजेस्टेड हो, उसे बोलते हैं कन्फाइंड स्पेस। इसके दो वीडियोस बना रखे हैं, आप उनको देख सकते हैं, ठीक है। तो कन्फाइंड स्पेस में जब भी हम वर्क करते हैं तो हमें क्या करना होगा, क्योंकि हमें वहाँ जब उसके अंदर जाके काम करेंगे तो उसमें जाके काम करने के लिए एयर क्वालिटी तो वहाँ तो ज़्यादा मेंटेन्ड चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ की एयर क्वालिटी अगर मेंटेन नहीं होगी तो जो भी वर्कर अंदर काम करने के लिए जाएगा उसे तो हार्म हो सकता है ना। तो वही चीज़ इसमें बताई गई है कि हमें अगर एयर क्वालिटी वहाँ की मेंटेन करनी है तो हमें क्या करना होगा। तो हमें सबसे पहले तो मैकेनिकल वेंटिलेशन हम यूज़ करेंगे, कोई भी इंसान उसके अंदर जाने से पहले हम वहाँ के सारे फ्यूम्स जो भी हैं, जो भी उसके अंदर सामान था, मटेरियल जो भी था, उसको हमने उसकी सारी फ्यूम्स निकाल दी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, हमें ये भी चीज़ चेक करनी है, अगर हम हॉट वर्क करने जा रहे हैं कन्फाइंड स्पेस में तो उसके फ्यूम्स निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज एक्सप्लोजन हो सकता है, ठीक है। फिर हमें ये भी चेक करना है कि जो भी हमारा वेंटिलेशन सिस्टम है कन्फाइंड स्पेस में वो क्लीन हो गया या नहीं। हमने वेंटिलेशन के लिए क्या करा, हमने एक पाइप के थ्रू वेंटिलेशन किया और सारे फ्यूम्स बाहर निकाल दिया, ठीक है। हमें ईच और एवरी मूवमेंट एयर एक बार चेक करनी होगी कन्फाइंड स्पेस में कि वो कोई ऐसी टॉक्सिक गैस उसके अंदर तो नहीं रह गई है जिससे कि जो भी अंदर वर्कर काम करने जा रहा है उसे हार्म हो, ठीक है। तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, मैकेनिकल वेंटिलेशन यूज़ करेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन, हम उसे फ्रेश ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करेंगे, हम उसे ब्रीथिंग एपरेटस देंगे, ठीक है, जिससे कि वो इजीली सांस ले सके कन्फाइंड स्पेस में, उसे कोई दिक्कत ना आए सांस लेने में, ठीक है। तो और इसके लिए एक चीज़ और होगी जो कि एंट्री परमिट, जब तक उसे वेंटिलेशन मैकेनिकल वेंटिलेशन तब तक उसका नहीं होगा, तब तक उसे वर्क परमिट इशू नहीं होगा, परमिट इशू नहीं होगा तब तक वो अंदर नहीं जा सकता काम करने के लिए, ठीक है। तो ये तो बात किसकी की, हमने कन्फाइंड स्पेस की, कि कन्फाइंड स्पेस में हमें उसका मैकेनिकल वेंटिलेशन करके उसके फ्यूम्स निकालने होंगे, उसको सांस लेने के लिए ब्रीथ सेट देना होगा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और हमारी जो एयर क्वालिटी है, जो नेचुरल एयर क्वालिटी है एटमोसफेयर की, उसको मेंटेन करने के लिए भी हम सेम यही करेंगे। हमारा जो भी बहुत बड़ा सा एक प्लांट है उसमें बॉयलर्स वगैरह लगे हुए, तो वहाँ मैकेनिकल सिस्टम्स यूज़ करेंगे, जैसे कि एग्जॉस्ट फैंस यूज़ करेंगे, ठीक है, बॉयलर फैंस यूज़ करेंगे इस तरीके से। अब नेक्स्ट इसमें क्या होगा, जब भी कोई मैकेनिकल वेंटिलेशन हमें प्रोवाइड कराया गया है तो हमें उसके वार्निंग सिस्टम्स भी चेक करने होंगे।
हमें ये चेक करना होगा जो भी हमने वेंटिलेशन इक्विपमेंट उसे प्रोवाइड किया है, ऐसा तो नहीं उसमें कोई फेलियर आ गया हो। उसके हर नोटिफाई करने के लिए एक वर्कर उसको उसको अटेंड करने के लिए वहाँ होगा जो कि सारी चीज़ें बताएगा, ठीक है। हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना होगा कि कन्फाइंड स्पेस जो भी है वो पूरी तरीके से क्लीन है या नहीं, और वेंटिलेशन सिस्टम वहाँ ठीक से हुआ है या नहीं। हमें ये भी चेक करना है ऑक्सीजन कैसा है उसके पास, फ्रेश एयर ऑक्सीजन है या नहीं, ऐसा तो नहीं ऑक्सीजन जो भी उसे प्रोवाइड कराया जा रहा है वो ठीक से उसको नहीं गेन कर पा रहा है, जिसकी वजह से हो सकता है उसका कोई उसके साथ कोई एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें चेक करनी होंगी वेंटिलेशन में और अपनी एयर क्वालिटी मेंटेन करने के लिए। सारी चीज़ें यही हैं कि हमें मैकेनिकल चीज़ों का यूज़ करके उसको मेंटेन करके रखना है। जब हम एक बार अपने यहाँ की एयर क्वालिटी मेंटेन कर लेते हैं, इसके लिए जो भी SOP बना लेते हैं किस तरीके से हमें इसके ऊपर स्टेप्स लेने हैं, तो वो सारी चीज़ें ईजीली हो जाएंगी, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको आज यही बताया कि हम कैसे अपने वर्क प्लेस पे रह के कैसे वेंटिलेशन सिस्टम एकदम ठीक कर सकते हैं, एयर क्वालिटी मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन सेफ्टी का ये टॉपिक था। सो थैंक यू।